हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और ये है सुबह का टाइम, जब मैं आज थोड़ा जल्दी उठी थी क्योंकि मुझे जाना था पूजा में। किसी ने बुलाया था, पड़ोस में ही है, जो शादी की कुछ पूजा होती है उसी में जाना था। वही 5 लेडीज या 7 लेडीजों को बुलाया जाता है और पूजा की जाती है। तो यहाँ पे मैं नहा धो के, झाड़ू पोछा करके, सारा काम निपटा के, आज ना दिखाया था कल आप लोगों को कल के ब्लॉग में कि मैं पानी आंगन पर कुछ पड़ा नहीं है, तो बहुत ही ज़्यादा कमरे में पानी, किचन में, हर जगह जा रहा था। तो वही घर बहुत गंदा सा लग रहा था, तो मैंने आज सारा सुबह उठ के सारा घर धुला और उसके बाद मैं आ गई किचन में। और फिर वहीं पर मैंने पहले सोचा चाय बनाती हूँ, लेकिन बाद में सोचा चलो पहले तैयार हो जाती हूँ, भैया भी सो रहा है, क्योंकि अगर वो जग जाएगा तो फिर तैयार होने में टाइम लग जाता है, दिक्कत हो जाती है। तो वही सबसे पहले मैंने लगाया रंग, ये देखिए मैं यहाँ पे लगा रही हूँ रंग। और ये बनाई थी छोटी सी डिजाइन पर ना, इस तरीके से लगाओ ना तो बहुत ही अच्छा लगता है, और ये डिजाइन भी खिल के आती है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, एकदम सूरज जैसी कुछ डिजाइन बन जाती है ना, पर ये बहुत क्यूट लगती है। और फिर देखिए यहाँ पर मैंने पहनी है ब्लू और रेड कलर की साड़ी, जो है दो कलर में। और आप लोगों को पता है ये मेरे शादी की साड़ी है, जो शादी के टाइम गई थी उसी में की है, जो मैंने अब की बहुत दिनों बाद पहनी हुई है। तो वही मैं यहाँ पूजा में जाने के लिए हो रही थी रेडी। ये देखिए मैं बना रही हूँ अपनी साड़ी की प्लेट यहाँ पर पिन करने के लिए। और ना बाल भी धुले हुए थे, क्योंकि पूजा पाठ में जाओ तो बाल धुलना तो ज़रूरी होता है इसीलिए। और यहाँ पे मैं लगा रही थी पिन, आप लोग देख सकते हैं। यह साड़ी ना पहले बहुत अच्छी लगती थी, पर अब थोड़ा सा अच्छी लगती है अभी भी, इसकी कढ़ाई भी अच्छी लगती है, कलर भी अच्छा लगता है। तो वही ये देखिए मैंने साड़ी में पहन चुकी हूँ यहाँ पर। और ये देखिए पिन लगाते वक्त ना मेरे हाथ में लग गया था और बहुत ही ज़्यादा खून निकल रहा था, दर्द भी हो रहा था, दवा दवा के निकाल रही थी ना। अगर पिन लग जाता है तो आप लोग समझ सकते हैं कि बहुत लगता है। फिर मैंने यहाँ पे निकाल के रखा था चूड़ी, वही मैं पहन रही हूँ, और मंगलसूत्र, और यही जो पहनना था हमको वो सब मैंने ड्रेसिंग टेबल पे रख लिया था, वही मैं पहन रही हूँ यहाँ पे। और देखो पहली बार जाना है, मैं इस तरह की पूजा में अभी तक शामिल नहीं हुई हूँ, इसलिए पहली बार जा रही हूँ, देखो क्या एक्सपीरियंस रहता है। मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैं चूड़ियाँ मिक्स कर रही थी पहनने के लिए, ये देखिए मैंने चूड़ियाँ पहन ली है। और यहाँ पे मैं मुंह में लगा रही थी क्रीम, ये देखिए। उसके बाद मैं बाल बांधूंगी और करूँगी अपना मेकअप, ये देखिए। और ये पिक जब मैं रेडी हो गई थी, ये देखिए मैंने शेयर की हुई है। और ये है सुबह का नाश्ता, एक दिन पहले की क्लिप है जो मैंने ऐड की हुई है। बारिश हो रही थी तो मैंने सोचा चलो पापड़ भून लेती हूँ, वही मैंने भुने हुए थे। और चाय बनाई हुई थी, क्योंकि बारिश में ना पापड़ के साथ चाय का मज़ा ही अलग ही रहता है, अच्छा लगता है ना बारिश के मौसम में तली भुनी चीज़ें खाने का मन करता है। और फिर इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी तो ये शॉप पे भी नहीं गए थे, तो बोल रहे थे पापड़ भूनो चाय के साथ खाना है, इसीलिए मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ।
मैंने ना थोड़े ही भुने हुए हैं कि बस एक टाइम के लिए शाम तक चल जाएं, बस इतने ज़्यादा भी नहीं भुने हुए हैं, क्योंकि गरम गरम ताजे भून के खाओ ना तो उनका स्वाद अलग ही टेस्ट रहता है, अच्छे लगते हैं ताजे ताजे। और ये देखिए यहाँ पर मैंने बस इतने ही भुने हुए हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये मैं माता के लिए, मतलब कि सासू माँ के लिए लेके जा रही हूँ चाय, जो बैठी हैं बाहर, तो मैं भी उनको देख के आती हूँ। ये देखिए खाट पे बैठी हैं और ये वहीं पर नाश्ता कर लेंगी। ये देखिए कर रही हैं नाश्ता। और मैं यहाँ पे, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लविन सिंह लविन वीडियोज़ में। और ये देखिए मैं आई हूँ छत पे और सुबह का टाइम है, वही हो रखा है 8:30-9 के आसपास। आओ। और ये देखिए मेरा भैया भी आया है साथ में, जो बोल रहे हैं मम्मा मुझे गोदी ले लो। और ना मैं, ये देखिए मेरा फुल लुक, मैं हुई हूँ रेडी। देखिए क्योंकि ये देखिए मतलब कि यही पूजा में जो नहीं, शादी के बाद हम लोगों के यहाँ होती है पूजा, वो सावन में या महीने में की जाती है थूनी पूजन। तो मैं वहीं पे, हमको है जाना, तो मैं हो गई हूँ तैयार और मैं अभी जाऊँगी, अभी कोई बुलाने नहीं आया है। और ये भी खा पी के चले गए हैं अपनी शॉप पे। मैंने ना आज अभी कुछ बनाया नहीं है क्योंकि सिर्फ चाय बना दी और नाश्ता करके चले गए हैं। और मैं जब वहाँ से पूजा से वापस लौट के आऊँगी तब मैं बनाऊँगी कुछ खाना। तो ये देखिए सुबह का नज़ारा कुछ ऐसा हो रखा है। ये देखिए हवा चल रही है, धूप बिल्कुल भी नहीं है, बहुत अच्छा ही मौसम हुआ है। कल से बारिश बंद हो गई है। तो मैं मिलती हूँ आपको इसके बाद में, देखो जब मैं लौट के आऊँगी कैसे क्या पूजा में होता है मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि इस पूजा में मैं पहली बार जा रही हूँ शामिल होने। आज तक कभी ऐसा चांस नहीं पड़ा है, थूनी पूजन में मैं कहीं नहीं गई हूँ, इसलिए ये मेरा पहला चांस है जो मैं जा रही हूँ। तो कैसा क्या रहेगा मैं आपको लौट के आके बताऊँगी, तब तक के लिए ओके। ये देखिए कल इतना ज़्यादा घर में पानी आया था ना, तो सब लोग परेशान हो गए थे। और पानी में रहने से ना मेरे एड़ियों में, पैरों में बहुत जल्दी दर्द होने लगता है, इसलिए ये देखिए यहाँ पे मैंने बोला था इनको कि नाप के सीट ले आओ इस पे डालने के लिए, जो आती है जिससे धूप भी आएगी रोशनी भी लगेगी। और वही ये यहाँ पे ले रहे थे जाल की नाप, ताकि ये इतनी ही लंबाई चौड़ाई की सीट लेकर आ सकें। तो देखो मिलती है कि नहीं, अगर मिलेगी तो मैं डाल दूंगी और ये दिक्कत शायद खत्म हो जाए। साथ साथ मानिक चलो है ना, पानी आता तो बहुत नीचे दबा दो ना, वरना पूरा घर इधर का उधर हो जाता है, समझ में नहीं आता। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं थूनी पूजन करके आ गई हूँ और प्रसाद में मिला है ये पूड़ी और ये गुलगुले। और ये इसमें भी पूड़ी और गुलगुले हैं, दो बार मिलता है ये देखिए। और ये देखिए इसमें ना, इसमें ना ये होता है कि जो शादी के टाइम, वो शादी के टाइम माड़ो जो उछाया जाता है मंडप जिसको बोलते हैं, उसी में एक आम की टहनी होती है जो लगाई जाती है, तो उसी को निकाल के रखा हुआ जाता है। और जो है ना कि ये सावन भादों का महीना जब होता है तो शुक्रवार या सोमवार को उसको पूजा उसकी की जाती है धान के खेत में जाके। तो मैं अपना मोबाइल नहीं ले गई थी, वरना मैं वहाँ की आप लोगों को क्लिप दिखाती, तो मैंने कोई कुछ रिकॉर्ड नहीं किया है। वहाँ धान के खेत में जाके वहीं पर पूजा किया जाता है, धूप बत्ती और घी गुड़ लगाकर, और यही पूड़ी बनाई जाती है और गुलगुले बनाए जाते हैं।
इसी सारी चीज़ों से किया जाता है पूजा। तो मैं करके आ गई हूँ, तो आप लोग मेरा ब्लॉग एंजॉय कीजिएगा और एंड तक देखिएगा। तब तक अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक।